हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि बीच में किसी कारणवश काटना पड़ गया, तो आधा रह गया वीडियो, तो इसको मैं पूरा कर रहा हूँ। तो एक बार मैंने पहले बता ही दिया, इसको दोबारा देख लेते हैं। तो एद धातु से कर्ता अर्थ में लट लाई अट की संज्ञा हो गई ल बचा, एद प्लस ल हो गया। अब इसी ल के स्थान पर प्रत्यय आते हैं, तो आत्मने पद मध्यम पुरुष, क्या कहते हैं उसको, आत्मने पद मध्यम पुरुष द्विवचन में तिप्तस जी सूत्र से आथाम आया। आथाम में म की संज्ञा प्राप्त थी, किंतु विभक्तिश्च सूत्र से आथाम क्या है, विभक्ति है, अतः न विभक्तो तुष्माह सूत्र से म की संज्ञा का निषेध हो गया, तो आथाम पूरा रहेगा, तो एद प्लस आथाम हो गया। अब आथाम जो है वह आथाम का जो आम है आ थ आम, ये टी कहलाता है, तो ये किसकी जगह पर आया, लट लकार की जगह। तो टी तो आत्मने पदा नाम टेरे सूत्र से आथाम का जो आम है वो टी, उसको ए हो गया, तो आ थ आम की जगह ए हो गया, तो आथे हो गया। तो अब क्या हो गया, एद प्लस आथे। अब आथे तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से उसकी सार्वधातुक संज्ञा हो गई, और उसके परे रहते एद से परे कर्तरी शप सूत्र से शप आ गया। तो शप में तीन अक्षर हैं, श और प। श जो है वह श क्या है, श है कर्तरी शब्द, लशक तद्धिते सूत्र से उसकी संज्ञा हो गई, और प की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो गई। तो लश दोनों की संज्ञा होने पर तस्य लोप से उनका लोप हो गया, अशेष रहा। तो अब क्या हो गया, एद प्लस अ प्लस आथे, तो ए ध में अ मिल गया, तो ए ध प्लस आथे हो गया। अब ये आथे है ये किसकी जगह पर आया, आथे किससे बना, आथाम से। आथाम सार्वधातुकम अपित, जो पित नहीं है, जिसमें प की संज्ञा नहीं हुई है, तो और सार्वधातुक भी है, तो सार्वधातुकम अपित सूत्र से यह गित है, क ख ग घ गित, गित। तो गित होने के कारण से एध जो है उसके सामने अंग है, और अंग अदंत है, अदंत मतलब अ उसके अंत में है, एद के अंत में। अंग क्यों है, क्योंकि वह आथाम के पहले है, इसलिए प्रत्यय के पहले है, इसलिए अंग है। तो अदंत अंग के परे जो आ होता है उसको आतोगिता सूत्र से ई हो जाता है, ई और हलंतिया। तो अब क्या हो गया, पहले क्या था एध प्लस आथे, अब हो गया एध प्लस इथे। तो एध का जो अ है और इथे का ई है, अ और ई मिलके ए बनाते हैं, हमने उपेंद्र पढ़ा है, तो ए हो गया। तो ए ध ए यथे, अब मिला दो तो ए धे यथे हो गया। अब जो ये य है, य और व जो दो अक्षर होते हैं, इनके परे यदि वल है, वल कौन सा होता है, ह य वर ट, ह य व से लेकर हल के ल तक वल हो जाता है, तो हय वरट, हय वल वल, तो वल हो जाता है, तो उस वल परे होता है, तो य और व का लोप हो जाता है, य और व का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो यहाँ पर य है तो उसका लोप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एधे अयथे था, तो य का लोप हो गया। तो इस तरह से थे बचा, एधे थे, और यही अपने को सिद्ध करना, एध से एधे थे। तो एधे थे जो है वह मध्यम पुरुष का द्विवचन इस तरह से सिद्ध हो जाता है। अब इसके बाद हमने आगे जो है एधे थे एधद्वे पढ़ना। तो यदि आपको वो याद है, क्या कहते हैं, प्रत्यय याद है, तो त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही और मही। तो ध्वम जो है वह मध्यम पुरुष के बहुवचन में ध्वम प्रत्यय आता है,
और ध्वम लगने से ही क्या कहते हैं वो एधद्वे बनता है। अभी तक हमने जो देखा है कि जब जब भी टित लकार होता है तो टित लकार होने पर जो टी है उसका ए हो जाता है, तो ध्वम की टी क्या होगी आप बताइए, तो ध्वम की टी होगी ध व और अम, अम होगा अम, तो अम यदि ध टी हुई तो ध्वे, ध्वे उसका टित आत्मनेपदानाम टेरे से ध्वे हो जाए, तो एध प्लस ध्वे। तो अब आपको लग रहा है कि इस तरह से सिद्धि हो जाएगी, किसकी, एधद्वे की, एधद्वे की, तो हम इसकी सिद्धि अब कल करेंगे। धन्यवाद।